कोचिंग इंस्टीट्यूट एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन Co-sponsored by Taiba Collection. Taiba, a house of wholesaler. और Furniture World. Furniture World. आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत. Attempt to murder का आरोप लगाया गया All India यादव महासंघ की ओर से. इस संगठन के राज्य सचिव विकास यादव के नेतृत्व में आज यादव समाज के लोगों ने आसनसोल उत्तर थाना के करीब विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि उनके समाज के एक दूध व्यापारी दिलीप यादव परसों रात जब ओके रोड होते हुए पंचगछिया जा रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे मारने की कोशिश की और सारा पैसा उससे छीन लिया. फिलहाल दिलीप यादव अस्पताल में भर्ती है जहां उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा जहां उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. वहीं उन लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे इससे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे. मौके पर मौजूद विनोद यादव ने कहा कि जिले में इतने आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोगों के बीच भय का माहौल है. इससे पहले जब जिलों को बांटा नहीं गया था, कमिश्नरेट नहीं बना था, तब इतना क्राइम नहीं होता था जितना कि अब हो रहा है. हम थाना आए हैं जो हम लोग का दिलीप यादव ना दिलीप यादव बोल के एक लड़का ओके रोड में ओके रोड से जा रहा था पंचगछिया का दूध बेचकर. परसों रात में 10:30-11 बजे के बीच 9 बजे 10 बजे के बीच में कुछ लड़का लोग उसको छिनतई किया, पैसा कौड़ी छीना, प्लस उसको चाकू मार दिया जो गला पर लगा है, पेट में लगा है, गाल पे लगा है, मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर इसको बोला जाएगा. उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं नॉर्थ थाना में बड़ा से मिलने के लिए. बड़ा बोले थे 24 घंटे में उसको गिरफ्तार करेंगे. आज 36 घंटे होने जा रहा है, अभी तक हम लोग कोई इन्फॉर्म नहीं हुआ क्या हुआ नहीं हुआ. जिसके संदर्भ में हमारे वकील विनोद जी हैं, कुछ बोलेंगे अपना वक्तव्य. वो अभी कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, LM हॉस्पिटल में स्पेशलाइज है. आपका नाम? मेरा नाम विकास यादव. अभी किस लिए आए? देख क्या हुआ केस का, कितना दूर मैंने बड़ा क्या हुआ, पकड़ाया गया कि नहीं पकड़ाया. हम तो अंधकार में रखा गया है ना, 24 घंटा में बोला गया, 36 घंटा होने चला. किस संगठन से आए? हम ऑल इंडिया यादव महासभा के तरफ से आए हैं. हमारा ऑल इंडिया यादव महासभा के लीगल वकील जो है विनोद जी हैं, इनसे बात कीजिए. जैसे कि विकास भाई बोले, दिलीप यादव बोल के एक लड़का है हम लोग का, वो दूध बिक्री करता है. 10:30 बजे के करीब में वो दूध बिक्री करके अपना घर जा रहा था पचगछिया की तरफ ओके रोड से. इसी दरमियान उसके बीच में ही कुछ असामाजिक तत्व तो जो है लड़का लोग मिल करके उसके ऊपर भुजाली और चाकू से हमला करके उसका जो पैसा वगैरह था छीन लिया, उसको जान से मारने का कोशिश किया. लेकिन किसी भी तरह भगवान का शुक्र है कि वो बच गया. और पुलिस प्रशासन से यही सवाल है कि जब हम लोग का पश्चिम बर्धवान से पहले जो हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट डिवाइड नहीं हुआ था, कमिश्नरेट नहीं बना था, तब यहाँ एक एडिशनल SP हुआ करते थे. वो पूरा दुर्गापुर आसनसोल अनुमंडल को अच्छे तरह से देखते थे, इतना क्राइम नहीं हो रहा था. लेकिन अभी जब हमारे जिले में हमको लगता है 10-15 IPS ऑफिसर है, फिर भी इंसान जो है भय में जी रहा है. आदमी अपना रोजी रोजगार स्वच्छंद भाव से नहीं कर रहा है, डरा हुआ है. और रेल पार की जो स्थिति हो रही है, यहाँ नशा खरौनी जो भी है, नशा का इतना व्यवसाय हो रहा है, हमको लग रहा है कि फिर रेल पार वो 90 के दशक में जा रहा है. जो 90 में रेल पार में स्थिति थी वही हो रहा था. हमारा बड़ा बाबू से आग्रह है कि जो असामाजिक तो इस सब में लिप्त है उसको आप जितना जल्दी हो गिरफ्तार किया जाए. और दिलीप यादव पर जो हमला किया है, जो दूध व्यवसायी है बेचारा, रोज कमाने खाने वाला है, अगर इंसान अपना रोजमर्रा का काम काज नहीं कर सकता है स्वच्छंद भाव से फ्री भाव से, तो फिर यहाँ रह के तो कोई फायदा है नहीं. पूरा एक भय का माहौल बना हुआ है, सभी डरे हुए हैं कैसे कौन क्या व्यवसाय करेगा. इसलिए बड़ा बाबू से आग्रह है, निवेदन है हमारा कि आप उसको अरेस्ट कीजिए जो असामाजिक तत्व ऐसा काम कर रहा है. अगर आप नहीं कीजिएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन पे हम लोग नमेंगे, रास्ता घेराव करेंगे, CP साहब के पास जाएंगे, DM साहब के पास जाएंगे और अपना पक्ष शांति भाव से लोकतांत्रिक तरीका से रखेंगे. शांति भाव से हम लोग NH जाम करेंगे, पूरा गाय भैंस
जितना हमारा खटाल के पशु है, जितना हमारे संघ में जितना जुड़े हुए हमारे व्यवसायी लोग हैं, सब लोग एनएचएम में जाम करेंगे। लास्ट डिसीजन हम लोग का यही जुड़ा है। अगर आज हम लोग का सही नहीं मिलता है, सही एक जवाब नहीं मिलता है, सही से उसका जो इलाज और सब चीज नहीं मिलता है, उसके बाद से हम एनएचएम जाम करेंगे पूरा माल व्यवसायी, और इसका जिम्मेवार ये यहाँ का प्रशासन होगा। केंद्र सरकार की ओर से युवाओं के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश भर में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पटरियों पर उतरकर अवरोध किया गया तो कई रेलगाड़ियों में आग लगा दी गई। छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, तो वहीं कई ट्रेनें अपने निश्चित समय से काफी देर से चल रही है। इस अग्निपथ योजना के विरोध में कई संगठनों की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। इसका कुछ असर शिल्पांचल में भी देखने को मिला। हमारे सहयोगी आज आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद यात्रियों से बातचीत की, जहां कईयों ने कहा कि वे काफी वक्त से रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी ट्रेनें अभी तक नहीं आई। लोगों के बीच नाराजगी देखी गई। वहीं रेलवे स्टेशन में पहले की अपेक्षा काफी कम यात्रीगण मौजूद थे। फिलहाल लोकल ट्रेनें ही ठीक ठाक चलती नजर आ रही है। Bye.
जसीडी जसीडी कौन सी ट्रेन? जो ट्रेन मिल जाएगी उसी से। कितना देर से है? एक घंटा से। अभी कोई अनाउंस है जसीडी के लिए? कोई नहीं, अभी बताए हैं कि मतलब कुछ कोई भी ट्रेन जाएगी ना तो हम आपको बता देंगे, फिर आप चली जाइए। बैठे हुए हैं भूखे प्यासे इसी तरह। कौन सी ट्रेन? कौन सी रात्रि हॉस्टल सिटी? कितने बजे से? एक घंटे से। क्या लाइट टाइम है? नहीं, ट्रेन लाइट टाइम नहीं, वो ट्रेन कैंसिल हो गई है इसलिए दिक्कत हो रहा है जाने में। আসানসোল মহাশয় সাহেব আমাদের যত রেলকর্মীদের আছে সেই প্রত্যেকটা রেলকর্মীকে আদেশ দিয়েছেন যেন কোনো রকম কোনো প্যাসেঞ্জারদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য দেখভাল করার জন্য কুইক রেসপন্সিবল টিম তৈরি আছে এবং আমাদের টিটিরাও সজাগ আছে এবং তারা সবসময় দেখভাল করছে যেন কোনো প্যাসেঞ্জারের কোনো রকম যেন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য আমাদের ডিআরএম স্যার যে আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশ অনুসার আমরা আজকে কাজ করে যাচ্ছি। তো কত ট্রেন বন্ধ হয়েছে আজকে? লং ট্রেন তো অনেক বন্ধ হয়েছে, সেটা আসানসোলের উপরে ইয়ে নেই। আসানসোলের যাতে প্যাসেঞ্জারদের কোনো যেরকম সুবিধা ইনফরমেশন দেওয়ার দরকার ডিআরএম সাহেবের আদেশ অনুসারে আমরা সবাই আরপিএফ আমরা টিটিরা সবাই সজাগ হয়ে কাজ করছি। আপনার নাম? মলয় মজুমদার, সিআইটি আমরা। দরভঙ্গা কোন সিটি? কোন ট্রেন? গঙ্গা সাগর। গঙ্গা সাগর कितने बजे? 10:14 में। कई टाइम पे चल रही है? टाइम पर कैंसिल बता रही है। रिजर्वेशन किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई उसका खबर नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण है। पुरुलिया कौन ट्रेन? एक ट्रेन जो आसपे पुरुलिया ट्रेन। कौन थी कि खेला एक घंटा एक घंटा पौने घंटा हो गए। कहाँ जाना है भाई साहब? बीकानेर। कितने देर से यहाँ पे? 8 बजे से। कौन सी ट्रेन से जाना है? हावड़ा बाड़मेर। टाइम पर है क्या वो? नहीं अभी नहीं, 9 घंटे लेट है वो। क्या बना अपनी? आमी जाओ देवघर। कत कौन थी क्या चाहिए? आमी 3 घंटा थे बस आए थे, कोई गाड़ी नहीं। 3 घंटा हो गए कोनो गाड़ी नहीं। कौन ट्रेन धरबेन? कोनो लोकल हो? लोकल मैं गाड़ी कोनो माँ बाबा ना है पूजा कोता है गाड़ी मैं कोनो माँ बाबा ना है मैं रेल मंत्री जी अच्छे मैंने एक बार की बोलवार रेल आए की नाम आपका? हाँ नाम लगन झा, हम बिहारी। तो ठीक है हिंदी में बोलिए। हाँ 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 बिहारी हैं। तो कौन क्या कीजिएगा इतना देर से इंतजार कर रहा? क्या कीजिए? अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है, एकदम मजबूर है करने, मतलब ये हुआ अब ट्रेन का इंतजार में बैठे हैं। कैंसिल है टाटा दानापुर, दानापुर टाटा कैंसिल है, दरभंगा कोलकाता, कोलकाता दरभंगा कैंसिल है। इन लगभग 7-8 ट्रेन कैंसिल है। 100 क्या लग रही है सर कब तक ये तो कब रिस्टार्ट करेगा इसका कुछ पता नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है? कारण वही जो अभी देख रहे हैं आप लोग, बताइए जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट लोग कर रहा है उसी के कारण ऐसा हुआ है। बहुत सारी ट्रेन रद्द है इंडियन रेलवे में। उधर से कोई अभी ट्रेन वगैरह अभी भी आ रहा है? कहाँ जाने से आ रही है क्या कोई ट्रेन? यहाँ से कोई ट्रेन नहीं, उधर से तो अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही। दोनों में सुपर तो अभी कैंसिल है। मोहम्मद शहनवाज आलम ड्यूटी स्टेशन मैनेजर। ब्लीचिंग पाउडर से लदे ट्रक में आज अचानक आग लग गई। यह ट्रक कोलकाता की ओर जा रही थी। ट्रक चालक ने कहा कि वे ट्रक के अंदर सो रहे थे जब आग लगी, किसी तरह ट्रक चालक ने अपनी जान बचाई। वहीं आग लगने की वजह का पता अब तक नहीं चला। ट्रक बुरी तरह से डैमेज हो गई है और ब्लीचिंग पाउडर में कितने का नुकसान हुआ है यह भी पता नहीं चल पाया है। हम तो गाड़ी में सोए हुए थे, एक रात 1 बजे आके यहाँ खड़ा किया मैंने। इधर रोटी रोटी खाते हैं होटल पे, तो होटल वाला बंद था होटल, हम सो गए गाड़ी में। उसी टाइम तुरंत मालूम ही नहीं चला कैसे आग लग पकड़ लिया इसमें।
कहाँ से आ रहे थे गाड़ी? गाड़ी राजपुरा से लोड करके लेके आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे। गाड़ी में कौन सामान था? हैं? गाड़ी में कौन चीज लोड थे? इसमें ब्लीचिंग पाउडर था। चला? नहीं कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन हमको उसी टाइम मालूम चला जब पकड़ लिया पूरा। हम बीच में सोए हुए थे गाड़ी के अंदर में, डायमंड में। हैं? नहीं कुछ नहीं हुआ, आग ही लगा। अब कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो अभी ईश्वर से बताएगा, एक बार बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। अभी हम तो क्या बता सकते हैं अभी कितना नुकसान है। गाड़ी का तो पूरा नुकसान है, पूरी गाड़ी तो पूरा डैमेज हो गया, पूरा जल गया, टायर भी जल गए, तो पूरा गाड़ी खत्म हो गया। आपका नाम? मेरा नाम कश्मीर सिंह। आप कौन है गाड़ी का? हैं, ड्राइवर है। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, अपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नोट करें, 8207297827। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शन सपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सौष्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 92 नंबर वार्ड के चूड़ी पट्टी इलाके
इलाके में शौकत खान नामक एक व्यक्ति पर तालाब की भराई कर अवैध निर्माण करने का आरोप लग रहा है। भाजपा नेत्री चैताली तिवारी ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर ट्वीट भी किया था। आज भाजपाइयों की ओर से रानीगंज में इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि जब से आसनसोल नगर निगम में बोर्ड बना है, इनको प्रशासन चलाने से ज्यादा पैसे कमाने की चिंता है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय पार्षद और आसनसोल नगर निगम के कुछ पदाधिकारी भी इस अवैध निर्माण में शामिल है। जब इस विषय में एमआईसी दिवेंदु भगत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शनिवार से ही उन्होंने अपना प्रभार संभाला है, उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। अगर अवैध निर्माण किया जा रहा है तो मेयर को इस विषय में अवगत करा के उनके खिलाफ उचित एक्शन लिए जाएंगे। वहीं आसनसोल नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा कि जैसे ही इस अवैध निर्माण के बारे में खबर मिली, निगम की ओर से नोटिस उन्हें भेज दिया गया है, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है। वहीं एक स्थानीय लोग ने कहा कि अवैध निर्माण बिना रसूखदार लोग के शामिल हुए संभव नहीं है। 92 नंबर वार्ड चूड़ीपट्टी इलाका जो अवैध कन्स्ट्रक्शन होच्छे, अपनारा देखेछेन जे जमी जेटा छिलो पुकुर भराट करे आजकेर दिने एगुलो होच्छे। एतदिन आमरा देखेछिलाम कयला 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 चुरी चलछिलो, बाली चुरी चलछिलो, आजके कयला चुरी बाली चुरीते थेमे नेई। तृणमूल आजके एमन जायगाय नेमे गेछे जे तारा एखन जमी पुकुर भराट करे जमी दलाली करछे। तारा एखनो पर्यन्त चेयारम्यान ठीक करते पारे ना, तारा एखनो पर्यन्त मेयर परिषद तैरि करते पारे ना, किन्तु तारा जमी भराटेर काज शुरू करे दिछे। नतूनभावे कर्पोरेशन तैरि होवार पर तारा প্রশাসনিক কোনো কাজে তাদের মাথা ব্যথা নেই। তাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে শুধুমাত্র কোন জায়গা থেকে টাকা ইনকাম করবে, কোন জায়গা থেকে এরা কয়লার কাজ করবে, বালির কাজ করবে, জমির কাজ করবে, শুধুমাত্র এই কাজ চলছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র মানে সামান্য একটা পুকুর ছিল, সেই অঞ্চলের একটা ছোট্ট মাত্র পুকুর ছিল, সেই পুকুরটাকে আজকে ভরাট করে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন চলছে। তো এর বিরুদ্ধে আমরা সবসময় সজাগ আছি এবং আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে আরও উপরমহলে গিয়ে আমরা এর প্রতিবাদ করব। তারা লোকাল কাউন্সিলর রয়েছে আমাদের কর্পোরেশনের, অনেকে এর মধ্যে জড়িত আছে। আমাদের আমরা সমস্ত নাম কালেক্ট করেছি এবং আগামী দিনে তার প্রকাশ করব। কে কোর্ট করছে? ওর নাম হচ্ছে শৌকত খান নামের একজন আছেন, ওখানে এই কাজটা করছেন। এরপর আমরা বাকি যারা এর সঙ্গে আমাদের কর্পোরেশনের যারা যারা জড়িত আছে আমরা তাদের নাম এক একের লিস্ট তালিকা করছি এবং তা আমরা একদিন আমরা তারপর প্রকাশ করব। সুরজিৎ খান, ভারতীয় জনতা পার্টি। যে ফ্ল্যাট চলছে প্রত্যেক লোকরা বলছে সেই কি ফ্ল্যাট করছে কিন্তু আনলিগাল, পুকুরে মাটি ফাটি ফেলছে, মাটি ফেলে পুকুরের জায়গাটাতে মানে খারাপ করছে। আর লোকরা কাপড় ফাপড় কাছে আর দুবারা কাপড় কাছে যদি ওদের জায়গাটা খারাপ করে তাহলে একটা ব্যাপার খারাপ আছে। ইনলিগাল কি হচ্ছে হচ্ছে মানে ওদের জায়গা ছিল কম, প্রত্যেক লোকেরাই বলছে ওদের জায়গা 3 কাঠা ছিল মনে হয় আর সে 8 কাঠা জায়গায় মানে কাজ করছে, সেটা ইনলিগাল আছে। পুকুর কি ভরাট করেছে? পুকুর তো ভরাট করেছি, আমি দেখলাম। জড়িয়ে রয়েছে মানে যার আছে জায়গা তাদের মানে টাকা খেয়েছে, টাকা খেয়ে সবাই লোকরা করেছে সব কিছু। কারা টাকা খেয়েছে? গুন্ডারা আছে, তাদের গুন্ডাদিকে পয়সা খাওয়াইছে। কাদের গুন্ডাদিকে পয়সা খাইছে? এবার এসছে লোকরা এসছে টাকা খেয়ে কাজ করাচ্ছে, তোমরা কাজ করো আমরা আছি। তারপরে বাদে চ্যানেল আছে, হতে পারে কোনো চ্যানেল আছে, যদি চ্যানেল আছে তবে তো কাজ করছে। সেটা এখানে মিউনিসিপ্যালিটি কি জড়িত আছে? না সেটা বলতে পারছি না আমি, হবে সেই জন্যই তো, না হলে কিছু হয়? কাউন্সিলর পয়সা খেয়েছে সেটাও হতে পারে, আমি তো জানি না, কিন্তু হতে পারে। নাহলে আমাদের কমিশনার থাকলে এরকম কাজ হয়ে আনলিগাল কাজ হতে পারে? কোনোদিন হতে পারে না। কমিশনার দেখবে না এটা আনলিগাল কাজ, সেটা কাউন্সিলর দেখবে কি? কাউন্সিলর যদি জানে আর জানার পর যদি এটা করছে তাহলে খারাপ আছে। কী নাম তোমার? আমার নাম সুমির। হ্যাঁ সুমির। কি সুমির? এমডি সুমির। আপনি এবং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যুক্ত আছে, পয়সা খেয়ে নাকি সেই ইলিগাল ফ্ল্যাটটা হচ্ছে, কী বলতেন? সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমরা যথারীতি যখনই খবর পাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা নোটিশ করি এবং নোটিশ স্টপ অর্ডার নোটিশ দেওয়া হয়। স্টপ অর্ডার নোটিশ দেওয়ার ওকে ইস্যু করে দেওয়া হয় এবং হচ্ছে আমাদের এখান থেকে এসআইরা গিয়েছিল তার আগে সঙ্গে সঙ্গে বারণ করে বন্ধ করে দেয় এবং পুলিশ পাঠিয়ে সেটাকে আবার বন্ধ করা হয় এবং মনিটরিং করে বারবার করে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে এবং বন্ধ করা হচ্ছে। ওদের যার নামে ওখানে জায়গা আছে কি সামা খা গোমা খা কি না, যাদের মানে এখন যে ইয়েটা আছে রেকর্ড আছে
আপনারা যখন ওইখানে লোক পাঠিয়েছিলেন তাদের কাছে কাগজ থাকবে যে কতটা জমির উপরে কাজ হচ্ছে? কতটা জমির কাগজ কি আছে না আছে আমাদের এসআই কাছে আছে, একটু দেখে নেন। বেআইনি ভাবে হচ্ছিল তো এটা? না, প্ল্যান তো ছিল না। আচ্ছা, প্ল্যান ছিল না? প্ল্যান ছিল না। তাহলে কোন কত বড় কাজ কি করে হচ্ছে? বন্ধ হয়েছে, আমরা তো নোটিস দিয়ে দিয়েছি। ভেরি ফার্স্ট দশ নোটিস দেওয়া হয়েছে। কাম হয়ে গেছে, বাদ কাম বন্ধ হয়ে গেছে, কাজ এখন রানিং, কাজ চলছে। আসলে প্রসেস হচ্ছে, কালো পেটার কাজ হয়েছে, কালো আমরা নোটিস দিয়েছি, পুলিশ পাঠানো হয়েছে, সবকিছু আমরা এটা। কিন্তু যখন ওর কোনো প্ল্যান ছিল না তখন এত দূর অবধি উনারা কাজটা করলেন কি? আমরা যখন কাজ শুরু হয়েছে তখনই আমরা প্ল্যান ইয়ে নোটিস দিয়েছি। আমরা তো মনিটরিং করেছি, বলেছি, আমরা পুলিশ পাঠিয়েছি, এরপর পুলিশও তো অ্যাকশন নিয়েছে। মনিটরিং করার পরও কি কাজ এত বড় হয়ে গেল? দুতলা বিল্ডিং কাজটা। আপনার এলিগেশন কেন আসছে? আমার কেন এলিগেশন আসবে? আমি কেন ইয়ে বলবো? আমার কাছে তো সঙ্গে সঙ্গে খবর হয়েছে, আমার এসেই গেছে, সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমি তো বলছি নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। এটা কতদিন? 15/5 নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। 15 না কবে, 22 দেখে নিন আপনি। নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কি কাজ চালু থাকে এরকম? বন্ধ করা, পুলিশকে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে বারবার, এক কথা বলছি তো, পুলিশকেও নোটিশে কপি দেওয়া হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ কোনা। আপনার লিঙ্গে স্যার? অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। জানা নেই, এটা জানার পরে আমি ওইটা খতিয়ে দেখবো যে কী আছে, এবং তারপরে যে এটা আইনানুগ ব্যবস্থা সেটা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আর নেবে। কারণ আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উপর প্রত্যেকটি মানুষের রাস্তা আছে, আপনারা দেখতে যাচ্ছেন যে আজকে আসানসোল কর্পোরেশন কীভাবে পুরো এরিয়া ডেভেলপ করেছে, এটা একটা নজির। এবং এখানে যদি কেউ এই ধরনের কাজ করে থাকে সেটার জন্য প্রশাসনিকভাবে যেটা আইনানুগ ব্যবস্থা সেটা হবে। কিন্তু আপনাদের ইঞ্জিনিয়ার বলছে যে ওই বিল্ডিংটার কোনো প্ল্যান পাস নেই, অথচ বিল্ডিংটা এত বড় কি করে হয়ে গেল, পুকুর ভরাট করে হচ্ছে? এবার আমি এটা তো আমি গত শনিবার থেকে আসছি, এটা আমার নলেজে নেই। আজকে আসা মাত্রই এই অভিযোগ পেলাম, অভিযোগ পাওয়ার মতোই আমরা খতিয়ে দেখব এবং আমরা মেয়র সাহেবকে অবগত করবো এই বিষয় নিয়ে, এবং যেটা দরকার যে আইনানুগ যে ব্যবস্থা নেওয়া সেটা নেওয়া হবে। পুকুরটা ভরাট করেছে, পুকুর ভরাট তো একদম। আজকে খবরों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।